इसके बाद हम बात करते हैं भारत में प्रवास का जो प्रसार है, प्रसार मतलब जिसे हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। डायस्पोरा क्या है? जनसंख्या का एक देश से अलग अलग देशों की तरफ जो वितरण, हम कह सकते हैं फैलाव, जिसे डायस्पोरा कहते हैं। अब हम जब इंडियन डायस्पोरा की बात कर रहे हैं तो जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी कि प्रवास जो है वो कोई नई घटना या वर्तमान घटना नहीं है, प्राचीन काल से ही ये प्रवास हो रहा है। तो जब हम इंडियन डायस्पोरा पर बात करें तो हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब अंग्रेजों का शासन काल था तो उस समय भी जो अंग्रेज थे वो जो रोपण कृषि की जाती थी या हम कहें कि बागाती कृषि की जाती थी अलग अलग देशों में, तो वहाँ पर काम करने के लिए यहाँ हमारे भारत से, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार से हो, अलग अलग राज्यों से वो जो कुशल श्रमिक हैं या अर्ध कुशल श्रमिकों को वहाँ पर बंधुआ मजदूर के रूप में लेकर जाते थे। और जो मजदूर वहाँ पर जाते थे कार्य करने के लिए उन बागानों में कृषि के लिए, तो या तो हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेज उन्हें वहाँ पर ले जाते थे, लेकिन वापस जब वो आना भी चाह रहे हैं तो उनके पास कोई साधन या माध्यम नहीं होता था कि वो वापस भारत आ पाए, और वो वहीं पर बस जाते थे। तो ये प्राचीन समय की बात थी जब अंग्रेजों का शासनकाल था। तो इस प्रकार से भारत से अलग अलग, चाहे वो हम कहें कि मॉरिशस हो या कैरिबियन द्वीप समूह हो, फ्रांस है, जर्मनी है, इन देशों की तरफ जो है वो प्रवास हुआ था। फिर हम एक लगभग 1970 के दशक की बात कर लें तो उसमें हम देखते हैं कि व्यापार या व्यवसाय के लिए भी बहुत सारे जो भारतीय लोग थे वो अलग अलग देशों की तरफ प्रवास किए। और वर्तमान में इसकी प्रवृत्ति जो है वो 1980 के दशक के बाद से वर्तमान तक हम देखते हैं कि अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है, और जो पढ़े लिखे शिक्षित और कुशल लोग हैं वो हम देखते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर हैं, तो ये सभी जो हैं वो USA है, कनाडा है, ब्राज़ील है, और यूरोप के अलग अलग देशों की तरफ जाकर बस जाते हैं। हाँ, इनके वहाँ पर बसने से हम देखते हैं कि प्रवास के जब हम प्रभाव की बात करेंगे या परिणाम की बात करेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि जब यहाँ से लोग विदेश की तरफ जाकर बसते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी पर भी एक अच्छा प्रभाव होता है, या हम कहें कि हमारे देश की विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। तो आइए हम बात कर लेते हैं इंडियन डायस्पोरा पर कि अलग अलग दशकों में किस प्रकार से भारतीय लोगों का अलग अलग देशों में फैलाव हुआ है। भारत में प्रवास प्रसार। भारतीय इतिहास में यदि हम बात करें तो भारतीय प्रसार या इंडियन डायस्पोरा की तीन मुख्य तरंगें देखने को मिलती हैं। पहली तरंग अंग्रेजों के शासन के दौरान हुई। जब ब्रिटिश शासनकाल था तो अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरिबियन द्वीप जिसमें प्रमुख रूप से ट्रिनिडाड, टोबैगो और गुयाना, इसके साथ ही फिजी और दक्षिणी अफ्रीका, और फ्रांसीसियों और जर्मनियों ने रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक, सूरीनामा में, और फ्रांसीसी तथा डच लोगों और पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, इन सभी राज्यों और देशों की तरफ से गिरमिट एक्ट, जिसे भारतीय उत्प्रवास अधिनियम कहा जाता है, इस अधिनियम के तहत अनुबंध किया और लोगों को, यहाँ की जनसंख्या को मजदूरों के रूप में, बंधुआ मजदूरों के रूप में वहाँ से इन देशों की तरफ लेकर गए। लेकिन हम ये देखते हैं कि इन मजदूरों की स्थिति जो है वो बहुत ही, जो अनुबंध यहाँ पर उन्होंने किया था तो उन्हें पता था कि उन्हें इस स्थिति में देखने के लिए वहाँ पर कोई नहीं आने वाला है। तो हम ये देखते हैं कि अनुबंध तो किया गया लेकिन इन मजदूरों को बहुत ही अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था, और उनकी दशा जो है वो एक दासों जैसी होती थी।
दूसरी तरंग में प्रवासियों की नूतन समय में या वर्तमान जो समय है वहाँ पर व्यवसायी, शिल्पी, व्यापारियों और फैक्ट्री में जो कार्य करने वाले मजदूर हैं उनको आसपास के देशों में भेजा गया। ये लोग बेहतर आर्थिक अवसर की तलाश में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और ब्रुनेई ये सभी देशों में जाकर बस गए। और हम देखते हैं कि ये प्रवृत्ति अभी भी जारी है। लगभग 1970 के दशक में जो पश्चिमी एशिया के देश हैं वहाँ पर अचानक से तेल के उत्पादन में जो वृद्धि हुई इसने भी भारत से बड़ी संख्या में जो कुशल और अर्धकुशल श्रमिक थे उनको आकर्षित किया। और भारत से पश्चिमी एशिया के देशों की तरफ जो लोग हैं, यहाँ की जो जनसंख्या है, उद्यमियों और व्यवसायियों का भी पश्चिमी देशों की तरफ प्रवास हुआ। हम तीसरी तरंग की बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि एकदम वर्तमान की जो स्थिति है या 1980 का दशक और उसके बाद की जो स्थिति है उसमें तीसरी तरंग में जो हुए प्रवास आते हैं। और इसमें मुख्य रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त जो कुशल व्यक्ति हैं उन्होंने प्रवास किया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वित्तीय विशेषज्ञ या संचार माध्यम से जो संबंधित व्यक्ति थे उन लोगों के प्रवास आते हैं। ये लोग उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आय प्राप्त करने के लिए भारत को छोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी, इन देशों में जाकर ये व्यक्ति बस गए। और 1991 में जो उदारीकरण की नीति आई, इस नीति के बाद शिक्षा और ज्ञान आधारित जो भारतीय उत्प्रवासी हैं उन्होंने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया है। और अभी अब हम वर्तमान में देखते हैं कि इन सभी देशों में भारतीय प्रसार अपने अपने देशों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। प्रवास में स्थानिक भिन्नता, पूरे भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि अन्य राज्यों से ये राज्य प्रवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और प्रवासियों को आकर्षित करने में महाराष्ट्र जो है वो सूची में इसका प्रथम स्थान कह सकते हैं। और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जहाँ पर लोग आप्रवासी के रूप में आते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ से उत्प्रवासियों की संख्या अधिक होती है। मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में रहने वाले जो लोग हैं वो दूसरे राज्यों की तरफ काम की तलाश में जाते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रवास के कारण कौन कौन से होते हैं, क्यों व्यक्ति जो है वो अपने जन्म स्थान या मूल निवास स्थान को छोड़कर दूसरे देश की तरफ या दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित हो जाता है। तो इसमें दो मूलभूत कारण ही है, दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। पहला, यदि हम कारकों में देखें तो एक तो पुश फैक्टर होता है जिसे हम प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, और दूसरा पुल फैक्टर या हम जिसे अपकर्ष कारक कहते हैं। तो ये दोनों, चाहे हम पुश फैक्टर की बात करें या पुल फैक्टर, पुश मतलब धक्का देना, किसी स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने के लिए उसे प्रेरित करना हम कहें, या फिर वो दूसरा स्थान जो पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच कर रहा है, खींच रहा है लोगों को, तो कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो जब हम इन कारकों पर चर्चा करेंगे तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि जो कारक एक जगह के लिए पुश फैक्टर होंगे वही कारक दूसरी जगह के लिए, दूसरे स्थान के लिए पुल फैक्टर होंगे। तो इस पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से तो आजीविका के साधन हैं, शिक्षा है, विवाह है, सुरक्षा की कमी, सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भौतिक कारक और आर्थिक कारक, ये सभी जो हैं वो प्रवास के मूलभूत कारण हैं। तो आइए हम एक एक करके इन पर विस्तृत चर्चा करें। पहला है आजीविका, या जिसे हम रोजगार या एम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
जिन क्षेत्रों में, जिन स्थानों में आजीविका के भरपूर साधन होते हैं, माध्यम होते हैं रोजगार के, वहाँ पर वो लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, जिसे हम पुल फैक्टर भी कहेंगे। लेकिन जहाँ पर इनकी कमी होगी वहाँ पर ये पुश फैक्टर के रूप में काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हम गांव से जो शहरों की तरफ या नगरों की तरफ जो प्रवास होता है उसका एक प्रमुख कारण जो है वो आजीविका या रोजगार का साधन होता है। जैसे गांव में यदि हम रहते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से कृषि ही आजीविका या रोजगार का महत्वपूर्ण साधन होता है। लेकिन यदि हम शहर में चले जाएं तो चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में, या फिर अलग अलग जो सेवा क्षेत्र होते हैं, सर्विस सेक्टर्स जो होते हैं, वहाँ पर भी लोगों को आजीविका के लिए बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाते हैं। तो यही एक मूल कारण होता है कि, और स्पेशली हम यदि हम अपने भारत के संदर्भ में बात करें तो हम देखते हैं कि गांव से शहर की तरफ जो युवा लोग होते हैं, युवा व्यक्ति जो होता है, वो रोजगार की तलाश में गाँव से शहर की तरफ, नगर की तरफ प्रवास करते हैं। और इसी में यदि हम अंतरराज्यीय प्रवास की भी बात करें तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर उद्योग या खनिज जो हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं, बहुत सारे उसके ऑप्शंस होते हैं। जैसे हम छोटा नागपुर पठार में चले जाएं, अपने छत्तीसगढ़ में आ जाएं, हाँ तो हम अपने भिलाई इस्पात संयंत्र की बात कर लेते हैं। या यदि हम उत्तर की तरफ चले जाएं तो जो कोल सेक्टर्स हैं, जहाँ पर SECL है, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स, तो ये सभी जो हैं वो यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं रोजगार के लिए। लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलता है इसलिए लोग यहाँ पर आकर बसते हैं। एक व्यक्ति रोजगार की तलाश में यहाँ पर आया, जॉब उसे मिल गई और उसके बाद धीरे से वो अपनी फैमिली को भी यहीं पर लाकर यहीं बस जाता है, यहीं पर सेटल हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर हम देखते हैं शिक्षा। शिक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक स्थान के लिए तो पुल फैक्टर का काम करेगा, जहाँ पर शिक्षा के बहुत सारे माध्यम मिलेंगे, और जहाँ पर शिक्षा की कमी है, शिक्षा के माध्यम हमें नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर ये पुश फैक्टर का काम करता है। जैसे कि आप देखते होंगे, आप भी यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपके गांव में या आपके शहर में यदि हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है उसकी सुविधा है तो आप और ज़्यादा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने आसपास के शहर की तरफ प्रवास करते हैं। और इसके अलावा और हम देखते हैं कि जो कोचिंग्स है, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, PET है, PMT है, इंजीनियरिंग है, ये सब की कोचिंग के लिए अधिकतर जो दिल्ली है या राजस्थान का कोटा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इसके, जहाँ से विद्यार्थी जो है कोचिंग के लिए या और उच्च शिक्षा की तैयारी करने के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों के लिए इन शहरों या राज्यों की तरफ जाकर प्रवास करते हैं। तीसरा है विवाह। तो जब हम जनसंख्या के लिंग संगठन या जेंडर कंपोजिशन की बात कर रहे थे प्रवास के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज में ये प्रथा या परंपरा है कि लड़कियां जो हैं वो शादी या विवाह के बाद अपने ससुराल चली जाती हैं। तो ये निश्चित रूप से होता है कि एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल चली गई तो अपने मायके से जब वो ससुराल जाती है तो वहाँ पर मायके में वो क्या हो गई, उत्प्रवासी हो गई, इमिग्रेंट हो गई, और जहाँ उसका ससुराल है, जहाँ वो शादी के बाद जाकर रह रही है, तो वहाँ वो इमिग्रेंट के रूप में कहलाएगी या आप्रवासी कहलाएगी। तो विवाह भी जो है वो एक प्रमुख कारण है हमारे भारतीय समाज में, जहाँ पर स्पेशली हम महिलाओं में देखते हैं कि ये उत्प्रवास की स्थिति बनती है। हाँ, इसी में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ। हमारे पूरे भारतीय राज्य में हम सभी जगह देखते हैं कि विवाह के बाद महिलाएं ही जो हैं वो प्रवास करती हैं, लेकिन हमारे भारत का मेघालय एक ऐसा राज्य है, पूरे भारतीय समाज में समाज जो है वो एक पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन मेघालय राज्य में हम देखते हैं कि वहाँ का जो समाज है, वहाँ स्पेशली जब हम जयंतिया
आदिवासी समाज की बात करते हैं तो वहाँ का समाज एक महिला प्रधान समाज है। और हम वहाँ ये भी देखते हैं कि शादी के बाद, विवाह के बाद जो है वहाँ पर महिलाएं प्रवास नहीं करती, वहाँ पुरुष का प्रवास होता है। और एक जब वहाँ पर महिला मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उस परिवार की जो अगली मुखिया है वो उसकी पुत्री या बेटी जो है वो होती है। तो शादी के बाद जब हम देखते हैं कि लड़कियां अपने ससुराल जाती हैं तो वहाँ पर पुरुष जो हैं वो शादी के बाद या विवाह के बाद अपने ससुराल दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं, क्योंकि वहाँ पर महिला प्रधान समाज हमें देखने को मिलता है। अगला प्रमुख कारण है सुरक्षा की कमी। जहाँ पर भी अधिकतर युद्ध या किसी भी प्रकार के सामाजिक अलगाव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर लोगों को एक भय का माहौल जो है, भय का वातावरण बन जाता है और वो सुरक्षा के लिए एक ऐसे स्थान की तरफ प्रवास करना चाहते हैं जहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल की स्थिति बनी हो, बहुत ज़्यादा युद्ध या सामाजिक अलगाव की स्थिति ना देखने को मिलती हो। और हम एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है। और यहाँ पर चाहे वो उत्तर प्रदेश, और अधिकतर उत्तर प्रदेश और बिहार से ही हम देखते हैं कि बहुत सारे जो आप्रवासी हैं वो यहाँ पर आकर बसते हैं। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी एक प्रमुख कारण है प्रवास के लिए। और हम देखते हैं कि जहाँ पर भी लोगों को अपने समाज का हम कहें कि अधिकाधिक क्षेत्र देखने को मिलता है या वहाँ पर रहने वाले अधिक लोग उन्हें मिलते हैं तो लोग वहीं पर जाकर बसना चाहते हैं। और इसमें धार्मिक कारण भी एक प्रमुख है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल लें तो हम देखते हैं कि आज़ादी के समय जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो बहुत सारे जो मुसलमान थे वो भारत से पाकिस्तान की तरफ प्रवास कर गए और पाकिस्तान से बहुत से हिंदू जो हैं वो भारत की तरफ आ गए। तो ये इसका एक प्रवास का एक प्रमुख उदाहरण है। इसके अलावा हम देखते हैं भौतिक कारण। तो फिजिकल फैक्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो जलवायु है या स्थलाकृति संबंधी जो भिन्नता हमें देखने को मिलती है आसपास, जलवायु मतलब बहुत ज़्यादा ना गर्मी पड़े ना बहुत ज़्यादा ठंड हो, या मौसमी प्रवास के अंतर्गत हम देखेंगे जैसे हमारे यहाँ या साउथ की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या मैदानी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ग्रीष्म ऋतु में लोग जो है वो किसी हिल स्टेशन, पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ जाकर रहना चाहते हैं। और वहाँ से जब फिर से ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो जाती है या थोड़ी हल्की बारिश का टाइम आ गया, फिर हल्की ठंड का समय आ गया तो वो अपने मूल निवास स्थान की तरफ आ जाते हैं। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र हैं वो भी आवास के लिए बहुत अनुकूल नहीं होते, आवास बनाना मुश्किल होता है, साथ ही साथ वहाँ पर कृषि कार्य करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और परिवहन के साधन भी बहुत अच्छी तरह वहाँ पर सुलभ नहीं होते। ये भी एक प्रमुख कारण है भौतिक कारणों में जो लोगों को एक समतल मैदानी क्षेत्र की तरफ और सम जलवायु वाले क्षेत्र में रहने के लिए अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और प्रवास का प्रमुख कारण है। इसके अलावा अगला प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों में हम देखेंगे वही रोजगार भी इसके अंतर्गत आता है या कृषि के लिए भी हम देखेंगे, लोगों को जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होती है, समतल भूमि हो रही है तो उन क्षेत्रों की तरफ, या जो व्यापारी होते हैं वो व्यापार के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं। जैसे गुजरात राज्य जो है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है व्यापार के दृष्टिकोण से। और जब हम खनन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो छोटा नागपुर का पठार, पूरा पठारी क्षेत्र जो है वो इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहाँ पर लोग रोजगार के लिए या आय के साधन की तलाश के रूप में वहाँ पर जाकर रहते हैं। तो ये हो गए प्रवास के कारण जो प्रवास को प्रभावित करते हैं, या हम ये कहें कि लोग इन कारणों के वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ स्थानांतरित होते हैं। तो ये तो हो गए प्रवास के कारण। अब हम बात करते हैं कि
कोई व्यक्ति या जो जनसंख्या है वो एक स्थान से जब दूसरे स्थान की तरफ जा रही है तो इसके क्या परिणाम निकलते हैं या इसका क्या प्रभाव होता है। तो हम प्रवास के प्रभाव पर बात कर लेते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आर्थिक, सामाजिक, जनांकिकी प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभाव हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव। जनसंख्या के स्थानांतरण से किस प्रकार से आर्थिक प्रभाव होता है किसी स्थान पर, इसमें हम मुख्य रूप से देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा भी की थी कि रोजगार की तलाश में किसी स्थान से, चाहे वो राज्य से हो या देश की भी हम बात करें, प्रवास किसी भी प्रकार का हो रहा हो, वहाँ से यूथ जनरेशन ही जो है, एक युवा व्यक्ति ही जो है वो रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं। तो जहाँ पर वो प्रवास करके जा रहे हैं, जहाँ के लिए अप्रवासी हैं, वहाँ पर तो एक यूथ जनरेशन की या युवा व्यक्तियों या युवा जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है। और हमें पता है कि चाहे किसी प्लानिंग को लाने में, एक नई तकनीक को लाने में, हमारी युवा जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जहाँ पर ये युवा जनसंख्या जा रही है आप्रवासी बनकर, वहाँ पर उस देश का या उस नगर का या उस राज्य का जो आर्थिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जहाँ पर से, जिस स्थान से ये जा रहे हैं, जहाँ से ये उत्प्रवासी हो रहे हैं, इमिग्रेंट हो रहे हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि युवा जनसंख्या कम हो जाएगी और जो वृद्ध वर्ग की जो जनसंख्या है उनकी अधिकता वहाँ पर हो जाती है, जो वहाँ पर के आर्थिक विकास को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हम इसे देखते हैं। अब इन सब के अलावा, जिस देश में, जैसे लोग विदेश की तरफ जा रहे हैं, दूसरे देश की तरफ प्रवास करते हैं, तो हम देखेंगे कि भाई काम की तलाश में ही, रोजगार की तलाश में ही तो लोग जाते हैं ना, तो वहाँ से विदेशी मुद्रा जो है वो उन्हें प्राप्त होती है, जो आय मिल रही है वो विदेशी मुद्रा के रूप में है। अब जहाँ पर वो रह रहे हैं, कोई एक व्यक्ति दूसरे देश में रोजगार की तलाश में गया है लेकिन उसके माता पिता अपने देश में ही रह रहे हैं, तो वहाँ से वो आय लेकर, या हम कहें कि उस विदेशी मुद्रा को जीवन चलाने के लिए, जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपने माता पिता को उस विदेशी मुद्रा को उस देश में भेजता है। तो जिस देश में वो भेज रहा है विदेशी मुद्रा को, जहाँ पर आ रही है, उस देश की विदेशी मुद्रा में जो है वो वृद्धि हो जाती है। बच्चों, एक छोटे प्रश्न के रूप में ये बनता है, पूछा भी जा सकता है आपसे बोर्ड परीक्षा में, कि ये जो विदेशी मुद्रा प्राप्त की जाती है उसे हुंडी कहा जाता है, हुंडी के नाम से जाना जाता है। तो हम ये कहें कि किसी देश की हुंडी में इसमें बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि होती है। अब दूसरा प्रभाव है इसका, सामाजिक प्रभाव। ये तो नेचुरल सी बात है ना, कि जैसे आप अपने आसपास भी देखेंगे, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं तो वहाँ पर अलग अलग धर्म और संस्कृति को मानने वाले लोग रह रहे हैं। तो जब हम आपस में बातचीत करते हैं, एक साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे के धर्म और संस्कृति से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। ठीक उसी प्रकार जब प्रवास होता है तो एक धर्म को मानने वाले या संस्कृति को मानने वाले लोग जो हैं वो दूसरे देश की तरफ जाते हैं, या दूसरे देश से किसी और अन्य स्थान की तरफ आ रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि इसमें बहुत अच्छी तरह से धर्म और संस्कृति का मेल जोल देखने को मिलता है। हम दूसरे देश या दूसरे स्थान की संस्कृति से, वहाँ पर मानने वाले धर्म के लोगों से जो है, उनकी धार्मिक प्रवृत्तियों से बहुत अच्छे से परिचित होते हैं। और इसीलिए तो हम अपने देश को जानते हैं ना, अनेकता में एकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विविध संस्कृतियों के और धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। अगला प्रभाव है इसका, जनांकिकी प्रभाव। भी हमने बात ही की थी, जब प्रवास की हम बात कर रहे हैं तो युवा व्यक्ति ही प्रवास करता है, और उस युवा व्यक्ति में भी हम देखेंगे कि जो मेल पॉपुलेशन है ना, पुरुष व्यक्ति जो है वो अधिक जो है प्रवास करता है। तो जिस स्थान पर ये जा रहा है, तो जनांकिकी प्रभाव के अंतर्गत हम देखेंगे कि वहाँ पर आयु और लिंग संरचना, एज एंड जेंडर कंपोजिशन में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि जहाँ पर ये आप्रवासी बनकर जा रहे हैं, जहाँ के लिए इमिग्रेंट हैं ये, तो वहाँ पर
आयु संरचना के अंतर्गत जो यूथ जनरेशन है, हम ये कहें कि कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि होती है और वो उस देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वहाँ पर, क्योंकि तकनीक हमें बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और ये व्यक्ति जो हैं ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पूरे उत्साह के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ जो है वो कार्य करते हैं, तो नेचुरली है कि उस देश का आर्थिक विकास बहुत अच्छी तरह से होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर ये उत्प्रवासी गए हैं तो वहाँ पर हम देखेंगे कि वृद्ध आयु वर्ग जो है उनकी संख्या अधिक हो जाती है, जो हम कहें कि दूसरे पर डिपेंड होते हैं, चाहे वो भोजन हो, खान पान हो या फिर आय, सभी चीज़ के लिए ही दूसरे पर डिपेंड होते हैं, तो उस देश की जो आर्थिक विकास है उसकी दर थोड़ी धीमी हो जाती है। और लिंग कंपोजिशन में भी हम देखेंगे कि जहाँ पर पुरुष व्यक्ति निवास कर रहे हैं तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक हो जाती है, लेकिन जिस जगह से ये उत्प्रवासी बनकर गए हैं वहाँ पर महिलाओं के बच जाने से, महिलाओं के रहने से वहाँ पर का जो लिंगानुपात है वो बढ़ जाता है। हाँ, अगर हम अपने आसपास के जगह में या देश में ही यदि देखें कि जहाँ पर महिलाएं भी जो हैं वो रोजगार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवास करते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति जो है वो होती है। फिर अगला है पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरणीय प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं कि यदि हम उदाहरण के लिए गांव से शहर की तरफ प्रवास की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि शहर में चूंकि गांव से बहुत अधिक जो जनसंख्या है वो शहर की तरफ प्रवास करती है, चाहे वो कार्य की तलाश में हो या शिक्षा या चिकित्सा किसी भी कारण से, तो वहाँ पर जनसंख्या की जो डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व, बहुत अधिक जनसंख्या वहाँ पर आकर रहने लगती है, लेकिन भूमि तो उतनी ही है, रहने का क्षेत्र जो है वो तो उतना ही है, उतने ही क्षेत्र में जो बढ़ती हुई जनसंख्या है या हम कहें कि जो आप्रवासी हैं उनको भी हमें रहने के लिए जगह देनी है, तो हम क्या देखते हैं, जो नगर की एक हम मुख्य समस्या है स्लम या गंदी बस्ती की समस्या, ये एक विकराल रूप धारण कर रही है। चाहे हम बात कर ले मुंबई की या हम बहुत दूर ना जाएं अपने रायपुर में ही देखेंगे तो हम एक बहुत बड़ी जो बस्ती है वो आसपास बड़ी बड़ी जो कॉलोनियाँ होती हैं उसके आसपास एक गंदी बस्ती या स्लम के रूप में हम इसे देखने को हमें मिलता है, जहाँ पर एक छोटे से कमरे में 8 से 10 व्यक्ति रह रहे हैं, तो पीने के पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, ये सभी जो पर्यावरणीय दुष्प्रभाव है ये प्रवास के कारण हमें देखने को मिलते हैं। बच्चों, ये जो पर्यावरणीय प्रभाव या हम कहें कि प्रवास के जितने भी प्रभाव पर हमने भी चर्चा की, ये आपसे एक बड़े प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है या अलग अलग प्रभावों को, जैसे पर्यावरणीय प्रभाव है, जनांकिकी प्रभाव है या सामाजिक प्रभाव है, ये आपसे छोटे प्रश्न के रूप में एक एक पॉइंट को भी पूछा जा सकता है, और ठीक ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो आपसे प्रवास के कारणों के रूप में भी बनते हैं। पूरा प्रवास का कारण यदि पूछ लिया तो ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, और यदि अलग अलग कारणों को आपसे एक छोटे प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता है। हाँ, ये उत्तर देते समय आपको ध्यान में रखना होगा कि हम भारत के संदर्भ में प्रवास की बात कर रहे हैं तो सभी प्रवास, चाहे हम प्रभाव की बात करें या कारणों और परिणाम पर बात करें, इन सभी को आपको उदाहरण देते हुए अपने उत्तर को एक्सप्लेन करना है, जिससे आपका उत्तर जो है वो एक बहुत अच्छा या हम कहें कि आकर्षक बनेगा और आपकी मार्किंग भी जो है वो बहुत अच्छी होगी।